चालू करो। बरन है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग बिहार। आप देख रहे हैं मगध संवाद के खास कार्यक्रम सुबह सवेरे, और सुबह सवेरे के इस खास कार्यक्रम में हम लेते हैं अखबारों के पन्नों से खबरों को। तो आज के अखबारों में क्या छपा है और क्या छुपा है। जहां इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा के बाद अब मैट्रिक प्रायोगिक परीक्षा की तैयारी कर ली गई है, परीक्षा की शुरुआत होगी। राजनीतिक गहमागहमी के बीच जीविका दीदी स्कूलों के बच्चों को बनाएगी पोशाक। कैबिनेट में 18 एजेंडों पर लगी मुहर। अब नीतीश सरकार नौकरियों की करेंगे भरमार। पूर्व राजद विधायक हत्या में दोषी, जिंदगी भर याद रहेगी टीम इंडिया की यह जीत। पुलिस में सीधी बहाली की न्यूनतम आयु 21 हुई। विधानमंडल बजट सत्र 19 फरवरी से 22 को पेश होगा बजट। कानून, कृषि कानून वापस लेना किसानों के हित में नहीं। 7 आईपीएस का किया गया तबादला। प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीब बन गए पार्षद और कर्मचारी। आज से निष्ठा कार्यक्रम के तहत शिक्षकों को मिलेगा प्रशिक्षण। मजबूरी के 1.5 साल की सदस्यता को राजी हुए सहनी। नीतीश ने कभी बिहारी स्वाभिमान को ठेस नहीं पहुंचाया, आरसीपीसी। गांधी मैदान में आत्मनिर्भर बिहार को दिखेगी झलकियां। टेट सीटेट अभ्यर्थियों पर हुई लाठी चार्ज। नमस्कार, मैं आपके साथ हूं सुनील बॉबी, और आप इस समय देख रहे हैं मगध संवाद। बिहार में इंटरमीडिएट प्रायोगिक परीक्षा के बाद अब मैट्रिक के प्रायोगिक परीक्षा का शुरुआत, यानी प्रैक्टिकल परीक्षा की शुरुआत हो रही है। इंटर और मैट्रिक परीक्षा को लेकर शिक्षा विभाग तैयारी पूरी कर रही है। इन्हीं चीज़ों के बीच बिहार में राजनीतिक पूर्णतः गर्मागर्मी के बीच, गहमागहमी के बीच जारी है। एक तरफ शाहनवाज हुसैन की उपस्थिति और सहनी की उपस्थिति के बाद राजनीतिक जोड़ तोड़ और शुरू हो गया है। इधर बात कर लेते हैं बीते कल की। तो कल पटना गर्दनी बाग में बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी टेट सीटेट पास अभ्यर्थी अपनी काउंसलिंग के तिथि को लेकर आंदोलनरत थे, धरना पर बैठे थे। लेकिन अचानक बीते दिन करीब शाम 3 बजे पुलिस वहां पहुंचती है और लाठियां बरसाना शुरू कर देती है। कुछ अखबारों में इसको खबर बनाया गया है, लेकिन कई अखबार इसे छूने की भी कोशिश नहीं की है, क्योंकि सरकार की बात, शिक्षक अभ्यर्थी की बात कौन करता है। इधर शिक्षक अभ्यर्थी बताते हैं कि हम लोग शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन पर बैठे हुए थे, अचानक करीब शाम 3 बजे पुलिस आती है और धरना पर बैठे जो शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे थे उन पर लाठियां चटकाना शुरू कर देती है। आखिर यह कैसी व्यवस्था है कि अपनी मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद कीजिए तो सरकार के द्वारा पुलिस के माध्यम से उन पर लाठियां बरसाई जाती है। मैंने पिछले वीडियो में कहा था, बताया था इनके आंदोलन के पूर्व कि 18 जनवरी 2021 से बिहार के शिक्षक अभ्यर्थियों को काउंसलिंग तिथि को लेकर आंदोलन है। क्या आंदोलन को लेकर सरकार सुनती है या फिर लाठियां बरसती है? खबर सच हुआ, क्योंकि हम जान रहे थे कि आज जो भी हो रहा है, चाहे शिक्षक को चाहे किसी और विभाग के लोगों, अगर वो अपनी मांगों को लेकर पटना पहुंचते हैं तो सरकार उनकी बातों को सुनने वहाँ तक तो आती ही नहीं है, बल्कि उन पर लाठियाँ चलवाने की कोशिश करती है, लाठियाँ चलवाती है। तो यह स्टेट शिक्षकों के साथ में घोर अन्याय हुआ है। उनका कहना है, उन्होंने बताया, शिक्षक अभ्यर्थियों ने बताया कि शिक्षक अभ्यर्थियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा गया। इतना ही नहीं, महिला अभ्यर्थी शिक्षकों को भी छोड़ा नहीं गया। इतना ही नहीं, दिव्यांग एक छोटू नाम के जो दिव्यांग शिक्षक थे, जो औरंगाबाद से चलकर पटना की धरती पर आंदोलन में शामिल होने गए थे, जो उनकी माँ अपने गोद में बिठाकर उठाकर टांगकर वह ले जाती है, वहाँ पहुँचे थे, उनको भी पुलिस नहीं छोड़ी। इतना ही नहीं, जब वो गिर जाते हैं, माँ गिर जाती है, तो उन पर कई लोग भागने के क्रम में उन पर चक्कर कूच कर जाते हैं, काफ़ी चोटें आई। बहुत दुखद घटना है। इस तरह की घटनाओं पर सरकार को संज्ञान लेनी चाहिए, और जो भी अगर धरना प्रदर्शन करते हैं तो खुद नहीं तो कम से कम अपने मंत्री और विभाग के जो पदाधिकारी हैं उनके द्वारा उनकी बातों को सुननी चाहिए। इधर अब जीविका दीदियाँ जो हैं
जीविका दीदियों को लेकर मैं बता दूं कि अखबार के पन्नों में तो खबर सभी अखबार के प्रथम पेज पर है, क्योंकि इसमें सरकार की बहुत प्रशंसा और बड़ाई की बात है। तो अखबार क्यों नहीं छापे, अखबार में तो यही छपता है सरकार की प्रशंसा। लेकिन जीविका दीदी के संबंध में सकारात्मक पक्ष अब सरकार की ओर से आने लगी है। कैबिनेट में इसे मंजूरी भी दे दिया गया है कि अब जीविका दीदी अब विद्यालय के बच्चों को पोशाक सिलकर देगी, यानी विद्यालय में जो भी पोशाक की राशि दी जाती है वह अब जीविका दीदी के माध्यम से पोशाक उनके द्वारा दिया जाएगा। अब स्कूली बच्चे पहनेंगे जीविका दीदी की सिली हुई पोशाक। 2 करोड़ बच्चों की पोशाक बनाने में खादी, हैंडलूम, पावरलूम कपड़ों की प्राथमिकता होगी। तो जीविका दीदी के लिए एक रोजगार का एक बेहतर साधन हो जाएगा, मान सम्मान बढ़ेगी। तो सरकार की ओर से यह किया गया पहल बिल्कुल सकारात्मक है कि गांव जवार शहरों के जो जीविका दीदी हैं उनको अब रोजगार मिलेगा, समाज में अपने घर में मान सम्मान मिलेगा। जब वो कमाती हैं, कुछ पैसे उनके बीच आता है, तो निश्चित तौर पर जो है वह इस तरह की बातें उनके बीच आते रहती हैं। तो इनके लिए एक सकारात्मक पहल है। अब विधानमंडल बजट सत्र का जो है 19 फरवरी से शुरुआत होगी और 22 को पेश होगा बजट सत्र, तो यह भी एक देखने लायक होगा। इधर पूर्व राजद विधायक की जो बातें हैं, पूर्व राजद विधायक हत्या में दोषी भेजी गई जेल, सुमारिक यादव हत्याकांड में न्यायिक द्वारा दिया गया था दोषी। और इधर क्रिकेट बड़ा ही रोमांचक खेल है और इस खेल को आज पूरे भारतीय जोश खरोश के साथ देखते हैं, खेलते हैं। तो यह जिंदगी भर याद रहेगी टीम इंडिया की यह जीत। 32 वर्षों से यह गांव में मैदान में ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैदान में यह खेल खेला जा रहा था। 31 टेस्ट के बाद इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया कोई मैच हारा, भारत की पहली जीत है। 90 साल में यहाँ कोई टीम 235 रन से ज़्यादा का लक्ष्य पाकर टेस्ट नहीं जीत सकी थी। तो यह एक बहुत ही बेहतर टीम इंडिया के लिए जो यादगार होगा। कृषि कानून वापस लेना किसानों के हित में नहीं, आज वार्ता में दोनों पक्ष पूरी तैयारी के साथ लेंगे भाग। आज वार्ता होगी सरकार और किसानों के बीच, जो एक फैसला आने की संभावना है। मजबूरी में 1.5 साल की सदस्यता को राजी हुए सहनी। अब भाजपा के दबाव, नीतीश की प्रशंसा के बीच मुकेश सहनी अब बिहार में आ गए हैं, बिहार में कुछ करना चाह रहे हैं। उनकी सदस्यता जो है एक जाल में कह सकते हैं फंसा हुआ है, सदस्यता के लिए राजी किए गए हैं। ऐसा लग रहा है कि वो अपने मन से नहीं बल्कि दबाव में आकर यह हुआ है। दबाव वाली बात बड़ा गजब की लगती है। इधर सीएम नीतीश कुमार भी कहते हैं कि हम दबाव में, भाजपा के दबाव में मुख्यमंत्री बने हैं, हम बनना नहीं चाह रहे थे। तो यह दबाव वाली क्या बात है, आप अब बन गए हैं, अब आपको चाहिए कि निश्चित तौर पर कुछ करना चाहिए, कुछ बनना चाहिए, कुछ करके दिखाना चाहिए, बिहार के लिए कुछ अलग होना चाहिए। शिक्षकों के वेतन मद में 382 करोड़ रुपये हो गए हैं जारी। राज्यपाल भारतीय क्रिकेट की टीम को दी बधाई। राज्यपाल फागू चौहान ने प्रकाश पर्व को दी शुभकामनाएं। 7 IPS का किया गया तबादला। इस तरह से प्रधानमंत्री आवास के लिए गरीब बन रहे हैं पार्षद और कर्मचारी। तो इधर बिहार पंचायत चुनाव को लेकर भी खासा अपडेट आ रहा है कि अब जो है EVM से चुनाव होंगे, मुखिया के घर से 100 मीटर के दूरी पर कोई बूथ नहीं होगा। तो अपडेट आते जा रहे हैं, उस पर काम होते जा रहा है। बंगाल में शाहनवाज हुसैन को मिल सकती है बड़ी जिम्मेवारी। इधर बिहार में शाहनवाज हुसैन की जहां उपस्थिति है, तो बंगाल चुनाव को लेकर भी वहां जो है बंगाल में उनको एक खास जिम्मेवारी मिलने की संभावना है। तो इन चीज़ों के बीच जहाँ शिक्षक अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे, वहीं जो नियोजित शिक्षक के आश्रित हैं वह भी अपनी मांगों को लेकर आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी मांगों को पूरी नहीं की गई है। फिलहाल खबरों में आज बस इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करेंगे। अगर इस वीडियो को हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक कर दें। अगर यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।